शनिवार 4 फरवरी को विश्व बंधुत्व दिवस के मौके पर जयपुर के अमर जवान ज्योति स्मारक से शुरू हुई किसान कैमरा संवैधानिक अधिकार यात्रा रविवार को कुचामन पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न किसान संगठनों और विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में निकाली जा रही ये यात्रा प्रदेश के सभी जिलों से होते हुए 22 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। कुचामन सिटी में किसान नेता और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गणेशाराम सुंडा ने मेगा हाईवे पर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष और यात्रा कार्यक्रम के प्रवक्ता हिम्मत सिंह गुज्जर ने बताया कि यात्रा का अहम मकसद आमजन को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के किसान संगठनों ने किसान कैमरा संवैधानिक अधिकार मोर्चा के बैनर तले यात्रा शुरू की है, जहां जयपुर के अमर जवान ज्योति स्मारक से देश के वीर शहीदों को नमन कर किसान कैमरा संवैधानिक अधिकार यात्रा का आगाज किया गया है। यात्रा जयपुर से रवाना होकर राजस्थान के सभी 33 जिलों में जनसभाएं और आमजन को किसानों को जागरूक करते हुए 22 फरवरी को शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि समस्त किसान कैमरा वर्ग ओबीसी एसटी एसटी अर्थात बहुसंख्यक समाज को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हम करा रहे हैं, ताकि वह अपने हक अधिकारों को जानकर उन्हें हासिल कर समक्ष बनकर देश की ओर से बेहतर सेवा कर सके। विश्व बंधुत्व दिवस कल 4 फरवरी से हम लोगों ने पूरे राजस्थान में 33 जिलों में यात्रा निकाल रहे हैं। जो वर्तमान दौर में जो नफरत की राजनीति हो रही है, बह की राजनीति हो रही है, जो जातियों को लड़ाया जा रहा है, धर्म को लड़ाया जा रहा है, धर्मों से एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया जा रहा है, उसका एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हम किसान कमेरा कौम जो किसी जाति धर्म से नहीं है, सभी किसान वर्ग काम करते हैं, उनको एक जागृति पैदा कर रहे हैं कि आपके जो हक और अधिकारों को ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़ाने में जो विकास के मुद्दे हैं वो गौण करते हैं, इसी को लेके हम यात्रा निकाल रहे हैं। हमने 13 महीने जो शाहजहांपुर बॉर्डर जो सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन किया था, उन आंदोलन में पिछले जो सरकार ने जो समझौता किया था 9 दिसंबर 2021 को, उसकी पालना नहीं हुई। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की बात थी वो नहीं हुई, जनसंख्या जनगणना की बात थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जैसे बिहार में जनसंख्या जनगणना हो सकती है तो राजस्थान में होती है। हम राजस्थान सरकार से भी मांग करते हैं कि आप प्रदेश स्तर पर भी जनसंख्या जनगणना करवाइए, क्योंकि ओबीसी की जब तक जातियों की आप आंकड़े नहीं आएंगे तब तक पिछड़े वर्ग के कोई विकास नहीं होगा। इसलिए हम ये पूरी यात्रा जो 55 मुद्दे हैं, इसमें नदियां जोड़ने का है, हमारे पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा है, साबरमती लिंक कैनाल का मुद्दा है यमुना का, तो इसी लेकर हम यात्रा निकाल रहे हैं कि इसे विकास हो। और भूमि अधिग्रहण कानून में जो बदलाव किया है इस सरकार ने, उसके खिलाफ़ भी हमें यात्रा निकाल।